फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज, ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने जो वैकेंसी आपकी निकाली हुई है न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड में स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के लिए, उसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी या नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी डिटेल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। 7 अगस्त 2019 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जनरल ओबीसी को ही 100 रुपीज़ फीस देनी है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट है और वुमेन कैंडिडेट जो किसी भी कैटेगरी की हो, उनके लिए कोई भी फीस आपकी यहाँ पर नहीं रहेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको वैकेंसी डिटेल मिल जाती है, साथ में एलिजिबिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर जो भी आपसे परसेंटेज मांगी गई है मिनिमम, और साथ में जो भी आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है वो आप यदि आप कंप्लीट करते हैं तो फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी डिटेल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉब रास्ता की वेबसाइट का लिंक जो आपको दिया गया है वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। यहीं पर ही फ्रेंड्स आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए लॉगिन डिटेल दी गई है। तो अगर आपने पहले कभी बार्क का फॉर्म फिल किया है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, तो जो आपने ईमेल आईडी होगी और जो पासवर्ड आपने जनरेट किया होगा उस समय, उससे लॉगिन करके आप सीधे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपका एक स्टेप जो है बच जाएगा। यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको यहां से रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यहां पर आपको जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपको देनी होगी जो कि वैलिड और एक्टिव हो, क्योंकि जो पासवर्ड है लॉगिन के लिए वो आपको उसी पर मिलने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम देना है। पूरा नाम अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर ना दीजिए, सिर्फ आपका जो पहला नाम है, फर्स्ट नेम है, वही आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, तो आपको एक कैलेंडर के माध्यम से यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका स्टेट ऑफ बर्थ है, तो आप जहाँ के निवासी हैं, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, मतलब आपके रोजगार जो कार्यालय है यदि आप में उसमें रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे, और डालने के बाद आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ से करेंगे रजिस्टर। पर मान लीजिए आपने रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं भी कराया है तो आप यहाँ पर सिर्फ नो कर सकते हैं और सीधे ये कैप्चा कोड डाल के आप रजिस्टर यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका अनिवार्य नहीं है, यदि आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो नो कीजिए और आगे की प्रोसेस के लिए आप चल दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए डिटेल देखने को मिलती है कि जो आपकी जो लॉगिन डिटेल है वो आपको आपकी जो रजिस्टर मेल आईडी है उस पर सेंड कर दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इस लॉगिन वाले टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो भी मेल आईडी से आपने इसको रजिस्टर किया है वो मेल आईडी आपको यहाँ देनी है। जो पासवर्ड आपको मिला है आपकी मेल आईडी पर वो आपको देना है, और ये जो कैप्चा कोड है ये आपको लिखना है, और उसके बाद यहाँ से लॉगिन करना होगा। तो फ्रेंड्स वहां पर लॉगिन करने के बाद आपको यहां पर जो आपका पासवर्ड है लॉगिन का वो चेंज करना है। इसके लिए जो आपका पासवर्ड आया है, जो कि करंट पासवर्ड है इस समय मेल आईडी पर जो आया है, वो आपको यहां टाइप करना है या फिर आप पेस्ट यहां पर उसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। न्यू पासवर्ड में ध्यान रखिएगा कम से कम 8 अक्षर और मैक्सिमम 16 अक्षर के बीच में आपको ये पासवर्ड जनरेट करना है। एक अल्फाबेट, एक अपर केस, एक आपका यहाँ पर नंबर, एक लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया अपर केस, बाकी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं लोअर केस। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक नंबर देना है। तो ऐसे आप यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप कोई भी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से भी आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे पासवर्ड जनरेट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर इसकी 2 बार एंट्री करनी होगी, ये कैप्चा कोड आपको देना होगा। इसके बाद आप यहां से सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद अब आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब फॉर्म फिल करना जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर छाटना होगा, जो कि यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए 01/2019 है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पोस्ट का जो ऑप्शन है वो आपके सामने देखिए यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जो भी आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या जिसमें अप्लाई आप करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर इस सर्च वाले टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल्स इस फॉर्म में फिल करनी होगी, जो कि आपका बेसिक डिटेल ये पहला ही ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन आपसे परीक्षा केंद्र, तो चेन्नई या मुंबई आपसे ऑप्शन मांगा गया है, तो आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं।
सेकंड जो है वो आपका आधार कार्ड नंबर है, यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये आपका मैंडेटरी यहाँ पर नहीं है। जो नंबर वन जो आपका पॉइंट है वो आपका नाम है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप डॉक्टर, श्री, श्रीमती या कुमारी जो भी आप लगाते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपका जो नाम है पूरा नाम आपको यहाँ पर देना होगा, तो वो आप यहाँ अपना पूरा नाम दे सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी है तो आपको यहाँ पर आपकी जो नेशनलिटी है वो आपको यहाँ लिखनी होगी। इसके बाद आपका रिलीजन है तो यहाँ से आपका जो भी रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर लें। यदि आपको अदर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आपका जो धर्म है वो क्या है, तो अपना जो भी आपका धर्म है रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी, आपका जो जेंडर है वो आप सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है कि आप एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। यदि आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे, और यदि आप कैंडिडेट हैं ओबीसी के या फिर एससी के या फिर एसटी के तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, चाहे एसटी, इसके बाद आपको जो आपकी कास्ट है, सब कास्ट जो है वो आपको यहाँ देनी होगी। एसटी, ओबीसी, एससी आपकी कैटेगरी है और इसके अंदर जो आपकी कास्ट है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी है नो करते हैं तो आपको ऑप्शन एक्टिव होगा आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का। यदि आप इसमें आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो ऑप्शन है आपका 8 और ये 9, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर और 1984 के दंगों में मरने वाले परिवार के सदस्यों के लिए है। यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है नो करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी में आप आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और यस करने के बाद आप बताएंगे कि आप किस कम्युनिटी से आते हैं, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो आप यहाँ पर उसको एंट्री उसकी कर सकते हैं। नहीं आते हैं फिर नो करेंगे। फिजिकल हैंडीकैप क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके लिए आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, एलिजिबल है। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी छाटनी है और आपकी जो है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी छाटनी है, और उसके बाद आपको आपकी परसेंटेज लिख देनी है कितने परसेंटेज डिसेबिलिटी है। तो कम से कम 40 और 40 अबव आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे, नहीं है नो कीजिए। सेम आपका यहाँ पर है एक्स सर्विस मैन के लिए, यदि आप इसमें आते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना सर्विस नंबर देंगे, एम्प्लॉय टाइप जो है आपका एयरफोर्स, आर्मी या नेवी, किससे आप रिटायर्ड है वो आपको यहां देना है, नहीं है नो करेंगे। एम्प्लॉय हैं यदि आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में तो आप यहां पर यस करेंगे, और यस करते हैं तो आप यहां पर छाट सकते हैं सेंट्रल, स्टेट, पब्लिक, ऑटोनोमस, प्राइवेट, किसमें आप यहां पर कर्मचारी हैं, उसके बाद अपनी ड्यूरेशन सर्विस की आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। और जो सरकार है वो आपको छूट देती है एज में जो कि खिलाड़ी हैं, तो यदि आप इसमें हैं तो आप यहाँ पर यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। बेसिकली जो भी पॉइंट है यहाँ पर वो आप यदि एलिजिबल हैं तो यस करेंगे, नहीं है नो करेंगे। मेनली हमने यहाँ पर जो फिल किया है वो आपका नाम है, आपकी जो कैटेगरी है, आपका जो जेंडर है, आपका मैरिटल स्टेटस है, आपका रिलीजन है, आपका नेशनलिटी है, यही हमने यहाँ पर फिल किया है। इसको आप ध्यान से यहाँ पर फिल करें, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको सेव ड्राफ्ट करेंगे, सेव ड्राफ्ट करने के बाद आपकी जो डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको यहां से इसको करना है कंटिन्यू। इसके बाद फ्रेंड जो आपका ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो मतलब आपका पत्राचार का पूरा जो एड्रेस है, जो भी आप लिखते हैं अपने एड्रेस में वो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी सिटी आपको मेंशन करनी है, आपका डिस्ट्रिक्ट आपको मेंशन करना है, आपका स्टेट करना है, आपका पिन कोड आपको मेंशन करना है। यदि देखिए आपका एड्रेस जो है कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ कॉपी हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो आप इसकी एंट्री अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर देना है, तो आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जो है वो आप कॉपी कर लीजिए या लिख दीजिए, उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पर सेम एज कर सकते हैं। इसके बाद जो नीचे ऑप्शन है ये आपके यहाँ पर है कि आपका कोई रिलेटिव काम करता है पहले से ही परमाणु ऊर्जा विभाग में या उसकी कोई भी इकाई में, तो आपका नेम देना है उस रिलेटिव का, आपका रिलेशन बताना है कि आपका रिलेशन क्या है, किस यूनिट में वो काम करते हैं और किस पोजिशन पर है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यदि कोई भी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, यहाँ से सेव ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड जो थर्ड स्टेप हमारा है वो क्वालिफिकेशन का है, तो यहाँ पर देखिए जो भी क्वालिफिकेशन आपसे उस पोस्ट के लिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिशियन का बन रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिशियन की बात करेंगे, यदि आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और उस पोस्ट के लिए आप डिटेल फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है। सबसे पहले 10th की जो डिटेल है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिल करना ज़रूरी है, क्योंकि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th तो आपसे मांगी ही गई है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी टाइप करनी है, आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको टाइप करना है, स्ट्रीम या डिसिप्लिन
या सब्जेक्ट आपको यहाँ देनी है तो विद मैथ एंड साइंस आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी ये लिखा गया है। मैक्सिमम मार्क आपको यहाँ देने हैं, आपके कितने के नंबर आए हैं, आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी, और ड्यूरेशन ईयर आपको देना है कि आपकी ड्यूरेशन क्या थी टेंथ करने की। इसके बाद फ्रेंड्स एसएससी की डिटेल आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास आईटीआई है तो आप यहां से आईटीआई सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आईटीआई या एनटीसी का। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर सेम वही यूनिवर्सिटी या बोर्ड लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे यहां से आप इसकी। उसके बाद यहां पर है स्ट्रीम डिसिप्लिन या सब्जेक्ट, तो यहां से जो भी आपके डिसिप्लिन होगा जिस लेवल के आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क, मार्क ऑब्टेन, परसेंटेज आपकी आ जाएगी, ड्यूरेशन आपको यहां पर देना है, और आपको यहां पर रिमार्क देना है, रिमार्क कौन सा पास का। अब यहां पर एक पॉइंट है, यदि आपकी आईटीआई एक साल की आपने की है, मान लीजिए आपने एक साल की है, तो आपको यहां पर एक्सपीरियंस देना होगा कम से कम एक साल का। पर यदि आपने आईटीआई की है दो साल की तो फ्रेंड्स आपको एक्सपीरियंस यहां पर देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये आप नोटिफिकेशन सेक्शन में देख सकते हैं या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें तो ये रहा इलेक्ट्रीशियन, यहां पर देखिए टेंथ आपके पास कम से कम 60% मार्क्स के साथ और आईटीआई आपके पास होनी चाहिए टू ईयर ड्यूरेशन में, या फिर आपके पास टू ईयर का जो है अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या फिर आईटीआई आपके पास एक साल की है तो एक साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके हिसाब से आप यहां पर डिटेल फिल करेंगे। इसके बाद यदि आप एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री या डिप्लोमा यहां देना चाहते हैं तो वो आप यहां पर दे सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और यदि प्रेजेंट में कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई का या उस डिग्री का या उस कोर्स का नाम आप यहां देंगे, उसकी यूनिवर्सिटी, फुल टाइम या पार्ट टाइम, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ सेमेस्टर, ईयर कितने कंप्लीट आपके हो चुके हैं, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जहाँ तक आपकी कंप्लीट है वहाँ तक के परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो अनुभव है, यदि आप यहाँ पर इसको फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर डिटेल पर फिल करनी है कि कहाँ से आप ये कर रहे हैं, यहाँ पर कहाँ पर आपको एक्सपीरियंस है। इसके बाद नेम एंड एड्रेस आपको एम्प्लॉयर का देना है, पोस्ट हेल्ड, किस पोस्ट पे आपने काम किया है, आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या थी, क्या आप काम करते थे। उसके बाद पीरियड ऑफ सर्विस आपकी कब से कब तक रही है, परमानेंट थे आप या टेम्परेरी बेस पे थे। उसके बाद रीजन ऑफ लिविंग आपको यहाँ देना होगा, तो उसके हिसाब से आप यहाँ डिटेल फिल करेंगे। इसके अलावा कोई भी अदर कोई डिटेल्स आप इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में दे सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आप यहां से इसको सेव ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद आप यहां से इसको कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड जो ऑप्शन आपका फोटोग्राफ का रहेगा, यदि आपने पहले कभी कोई फॉर्म फिल किया है तो ऑटोमेटिक आपकी फोटो एंड साइन यहां पर आपको अपलोड मिल जाएंगे। यदि नहीं भी मिलते हैं तो आप फ्रेंड्स इस ब्रॉज के माध्यम से अपनी जो भी फोटो है उसको यहां अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपका जो साइज है वो मैक्सिमम साइज 45 KB का आपका यहां रहेगा। जेपीजी इमेज में आप इसको अपलोड करेंगे, डायमेंशन आपको दी गई है, पर अगर आपका डायमेंशन नहीं भी है तो भी आप इसको अपलोड यहां पर कर सकते हैं, साइज का आप यहां ध्यान रखिएगा। और देखिए फाइल नेम जो है कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर आप स्पेस भी उस पर ना रखें, सिंगल फाइल नेम रखें और ये आपका अपलोड यहां पर हो जाएगा। जैसे ही आपको प्रीव्यू यहां पर शो करे उसके बाद आप यहां से इसको कंटिन्यू करेंगे। सेम आपका यहां पर रहेगा आपका सिग्नेचर के लिए, तो यहां पर देखिए सिग्नेचर में भी जो साइज है वो 45 KB आपको मैक्सिमम दिया गया है, डायमेंशन दिए गए हैं। इसके बाद आप ब्रॉश के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे, यहां पर जो एक कैप्चा कोड है ये आप लिखेंगे और यहां से इसको करेंगे अपलोड। तो फ्रेंड्स जब आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे या फोटो अपलोड करेंगे और ऐसा कोई साइन आपको यहां पर शो करता है कि आपको यहां पर जो है क्रैक फाइल दिखाता है, तो फ्रेंड्स आप दोबारा से इसको ब्रॉश करें, आपकी जो साइन है उसको यहां पर सेलेक्ट करें। इसके बाद दोबारा से एक बार आप ये जो कैप्चा कोड आपको दिया गया है ये आप यहां पर एंटर करें और दोबारा से इसको आप अपलोड करें। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स ये दोबारा से यहां पर आपको शो कर देगा। तो ये कई बार सर्वर की प्रॉब्लम होती है, कई बार कैप्चा की प्रॉब्लम होती है या कोई और डिटेल की प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से ये क्रैक हो जाता है। और जैसे ही आपको यहां प्रीव्यू दिखाई दे उसके बाद ही आप यहां से इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके सबमिशन का है, तो इस पे आप यहां पर जो डिक्लेयर का दिया गया है इस पे डिक्लेयर करेंगे और यहां से आप कर देंगे इसको कंटिन्यू। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने डिटेल फिल की है वो सभी आपको यहां शो करेगी, एक बार आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद कोई भी गलती आपको दिखती है तो आप दोबारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और जहां पर भी गलती है उसको आप सही कर लेंगे, और कोई भी गलती नहीं है इसके बाद आप इसको यहां से फाइनल सबमिट कर देंगे। जिसके लिए फ्रेंड्स आपको जो नीचे की साइड आएंगे तो यहां पर आपको कोड मिल जाएगा जो कि आपका कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आप यहां पर डालेंगे और उसके बाद यहां से आप करेंगे इसको सबमिट। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो आपकी एप्लीकेशन है वो सेव्ड हो चुकी है सक्सेसफुली। आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस है वो आपका अभी पेंडिंग है।
इसके लिए फ्रेंड्स आपको आना है अपने माई अकाउंट सेक्शन में। इसके बाद यहाँ पर है आपका मेक पेमेंट सेक्शन, यहाँ पर आपको आना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आने के बाद आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको शो करेगा, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप करेंगे इसको सबमिट। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर, पेमेंट ऑर्डर नंबर और आपका अमाउंट यहाँ पर आपको शो करेगा। यदि आप रिजर्व कैंडिडेट हैं या फिर आपको कोई भी छूट मिलती है आपके फीस में, तो आपको ये ऑप्शन पे आना ही नहीं है, आपको सीधे ये माई एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट अपने पास रख लेना है। अब जिनका जो पेमेंट है उसके लिए आपको ये माई मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू टू SBI ई पे फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, तो आप जो भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको सभी बैंक यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी या फिर आप SBI भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आप अपना कार्ड नंबर, कार्ड की वैलिडिटी और कार्ड का CVV नंबर और कार्ड होल्डर नेम आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद आप यहाँ से करेंगे इसको पे नाउ। पे नाउ करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो कंफर्म होते ही आपको दोबारा से जो माई एप्लीकेशन सेक्शन है उस पर चलना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन सेक्शन देखने को मिल गया होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर प्रिंट एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा और इस पर क्लिक करके आपकी जो एप्लीकेशन है उसको आप PDF में या प्रिंट निकलवाकर अपने पास रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बाकी की डिटेल के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। इस फॉर्म को कैसे आप फिल करेंगे, क्या क्या डिटेल आपसे पूछी गई है, उसकी डिटेल भी मैंने आपको यहाँ बता दी है। फिर भी कोई समस्या है, कोई क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट कर सके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। पर यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार जॉब रास्ता की वेबसाइट पर आप एक बार सभी डिटेल को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।